सर इधर जाओ। अरे भाई पानी लाने, क्यों स्कूल पानी नहीं है क्या? नहीं मास्टर जी नहीं डलवाते पानी अंदर? क्यों, क्या कारण? टांका फूटा हुआ है। क्या कारण? टांका फूटा हुआ, टंकी में खारा पानी। अच्छा, अब कहाँ से लाओगे इधर? टांके से। आगे कहाँ है टांका? इधर बहुत है, घरों में। अच्छा, घरों से पानी लाओ। कितने दिनों से समस्या है? एक महीने से। ये स्कूल में पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है सर? पानी तो टाके है, दो खराब है, फूटे हुए हैं, और एक है जो दी उसमें पानी है वो थोड़ा बड़ा है, मतलब खारा है। अच्छा, खारा है। तो मतलब आपने शिक्षा विभाग को या उच्च अधिकारी को लिख दिया है, ग्राम पंचायत लिख दिया है, पंचायत समिति को लिख दिया है, विभाग को लिख दिया है। ये किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है? पानी की, पानी टाँगे फूटे हुए दोनों। अच्छा, तो वैकल्पिक व्यवस्था कोई? वैकल्पिक तो है ये खारा पानी। नहीं, खारा पानी तो है सर, बच्चों को इसको रोड पे मतलब दौड़ाया जा रहा है पानी लाने के लिए। तो पानी तो खारा है, पीते नहीं बच्चे। नहीं तो आप वैकल्पिक व्यवस्था करो, बच्चों को भविष्य क्यों मतलब खराब करे? क्या करें भाई, टांके खारे हैं। टैंकर की व्यवस्था करो सर। टैंकर पानी किस में डलाए? खड़ा तो रहेगा नहीं, पूरे दिन खड़ा रहे तो 1500 रुपये लेते हैं। जो भी व्यवस्था हो, बच्चों का भविष्य क्यों अंधकार में डाल रहे हो? तो हमने तो विभाग में लिख दिया है, ग्राम पंचायत में लिख दिया, सारों लिख दिया है। बच्चे बोल रहे हैं हमको गुरुजन पानी लाने के लिए भेज रहे हैं। कोई नहीं कहता। अभी कहा सर मेरे सामने आपने? अरे कोई नहीं कहता, पानी लाने के लिए खुद जाते हैं, बाकी ये पानी पीने के लिए है, थोड़ा मोटा ये है, बाकी कोई नहीं कहता है।